हेलो फ्रेंड्स, मैं अभा खत्री। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और काठियावाड़ी ट्रेडिशनल रेसिपी लेके आई हूँ, लसनिया बटाका अनुसार। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और थोड़ा सा तीखा होता है और चटपटा होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम बनाते हैं काठियावाड़ी लसनिया बटाका अनुसार। लसनिया बटाका बनाने के लिए हमें चाहिए बटाका, यानी कि बेबी पोटैटोज लिए हैं मैंने इस तरह के, लगभग मैंने 250 ग्राम लिए और उसे बॉईल कर लिया है। फिर मैंने टोमेटो लिया एक बड़ा, उसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। ऑनियन लिया है एक बड़ा, उसे भी मैंने चॉप कर लिया है बारीक टुकड़ों में। मैंने लाल मिर्ची ली है सूखी वाली और हरी मिर्ची ली है मैंने दो, उसे इस तरह से बड़ी रफली चॉप कर लिया है। कोरिएंडर लीव्स है, उसे बारीक चॉप कर लिया है। लहसुन या बटाका है इसलिए लहसुन इसमें ज़्यादा चाहिए। मैंने लहसुन का पेस्ट बना लिया है, कम से कम 8-10 कली लहसुन का हमें पेस्ट बना लेना है। फिर तेज पत्ता लिया है मैंने बघार के लिए, राई लिए 1/2 टीस्पून, जीरा लिया है 1/2 टीस्पून, 3 हमें हींग लेनी है, हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, 1/2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, गरम मसाला मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, सॉल्ट हमें टेस्ट के अनुसार लेना है और सब्जी बनाने के लिए हमें कुकिंग ऑयल लेना है। सबसे पहले हम सब्जी की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें मिक्सर जार में टोमेटो लेना है, ग्रीन चिली और रेड चिली लेना है और इन सबको पीस लेंगे हम। देखिए, मैंने इस तरह से पेस्ट रेडी कर ली है। अब हम सब्जी बना लेते हैं। सबसे पहले पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल लेना है हमें, बिल्कुल थोड़ा सा ही ऑयल लेना है अभी हमें। अब इसके अंदर हम बॉइल्ड पोटैटोज डाल देंगे। पोटैटो का कोई टेस्ट नहीं होता है, मैंने बॉइल करने में भी सॉल्ट नहीं डाला है, इसलिए अब हम इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे ऑयल में। थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। मिक्स कर लेना है इसे मसाले में। देखिए, पोटैटो अच्छी तरह से कोल्ड हो चुके हैं। अब इसे हम एक बाउल में खाली कर लेंगे। अब एक दूसरा पैन ले लेंगे, उसमें ऑयल गरम करेंगे। अब इसमें हमें कम से कम 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लेना है, इसमें ऑयल ज़्यादा होता है। जब ऑयल गरम हो जाए इसमें तेज पत्ता डाल देंगे। अब इसमें राई डाल देंगे। जब राई हमारी फूटने लग जाए जीरा डाल देंगे, इसमें हींग डाल देंगे, अब ऑनियन डाल देंगे। ऑनियन को अच्छी तरह से पका लेना है हमें। जब ऑनियन हमारा लाइट पिंक होने लगे इस तरह से, तो इसमें गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक इसकी कचास नहीं निकल जाए। जब गार्लिक और ऑनियन पक जाए, जब हमने जो पेस्ट तैयार किया था टोमेटो और रेड चिली का और ग्रीन चिली का, वो डाल देंगे। अब इस ग्रेवी को अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि सभी चीज़ इसमें कच्ची है। टमाटर भी इसमें कच्चे हैं, हमने बॉईल नहीं करे हैं, इसलिए इसे बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे हम, 5 से 7 मिनट कम से कम। देखिए, जब ग्रेवी इस तरह की पक जाए, ऑयल ऊपर आने लगा है अब हमारा, टमाटर ने पूरा पानी भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम ड्राई मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल लेंगे, धनिया पाउडर डाल लेंगे, रेड चिली पाउडर डाल लेंगे। ये सब्जी थोड़ी तीखी होती है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं मसाले, लेकिन इसमें सभी मसाले ज़्यादा डलते हैं। रेड चिली पाउडर भी अच्छा डलता है, ग्रीन चिली भी अच्छी डलती है, सूखी लाल मिर्च भी डलती है। अब इसमें सॉल्ट डाल देंगे हम टेस्ट के अनुसार। आलू में हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, उस हिसाब से हमें सॉल्ट डाल देना है। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ये ग्रेवी को 2 मिनट और पका लेंगे हम, जब तक हमारे ड्राई मसाले पक जाए। देखिए, अब आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी कितनी अच्छी हो गई है, तरीदार, ऑयल पूरा ऊपर आ गया है। ये काठियावाड़ी सब्जी है, इसमें ऑयल इस तरीके का ही होता है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। अब इसमें हम जो हमने पोटैटो करे थे रोस्ट हल्के, वो डाल देंगे।
देखिए पोटैटो भी हमारे कितनी अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुके हैं। इस तरह की ग्रेवी वाली होती है। अब इसके अंदर हम गरम मसाला डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे और लास्ट में इसमें हम कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे। बहुत सारा कोरिएंडर लीव्स डाल देना है हमें। आप देख सकते हैं हमारी चटपटी सब्जी रेडी है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है वेरी टेस्टी और तीखी काठियावाड़ी लसनिया बटाका की सब्जी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।